सरकारी रिवॉल्वर की गोली में आज भी बहुत दम है, तू बचेगा नहीं। 2% की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। रही बात मेरे किरदार की, तो वो ऐसा है कि बहुत ही घिनौना इंसान है, बहुत ही नीच कमीना पुलिस वाला है, और उसको सजा मिलती है। जॉन का जो कैरेक्टर है बहुत उसको सबक सिखाता है, मारता है। और मुझे मज़ा आया मार खाते हुए। मैं बहुत लकी हूँ कि मिलाप जवेरी ने मुझे ये रोल ऑफर किया है, और हमने जो काम किया है द वे उसने डायरेक्ट किया है, डिज़ाइन किया है, एक्सिक्यूट किया है, और जो मैंने अपनी तरफ से उसको अदा किया है, मुझे लगता है कि हमने कुछ वेरी इंटरेस्टिंग जादू एक किस्म का कह लो, बस जो देखेगा वो देखते ही रह जाएगा कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी अपने फर्ज के लिए, एक शपथ मैंने ली है बाबा इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। और जो हमारे डायरेक्टर हैं मिलाप जवेरी, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, और तब उनके साथ काम करते हुए उनको लगा कि भाई ये तो अच्छा एक्टर है, इंसान अच्छा है। तो जब वो फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा यार इस अच्छे एक्टर को बुलाओ, इस अच्छे इंसान को बुलाओ और कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं। जिन्हें खाकी पहनने का हक नहीं उन्हें खाक में मिलाने की रोक कर दिखा। रोकूंगा भी और ठोकूंगा भी। देखो लोग तो मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि मैं वाकई में बहुत ही गंदा पेश आ रहा हूँ एज अ बैड कॉप, बहुत ही नीच पेश आ रहा हूँ। ऊपर से मेरे डायलॉग्स इतने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स हैं कि जनता बोलेगी क्या बकवास क्या कर रहा है, और फिर वो बाद में जो पिटता है जॉन से, फिर जनता बोली अबे साला बिल्कुल मार ही डालो, इतना गंदा इंसान है इसका, ही हैज नो राइट टू लिव ओनली। देखिए ये जो कैरेक्टर है इट इज़ माय बेस्ट रोल इन सो मेनी इयर्स। अगर मैं कहूँ 22-23 साल में इतना पावरफुल रोल मुझे मिला ही नहीं है। अपने आपको मैं किस्मत वाला समझता हूँ कि मिलाप ने मेरे को ये कैरेक्टर करने को दिया। जॉन वॉज वेरी केयरफुल कि भाई ऐसा ना हो कि बाई चांस कहीं लग जाए, क्योंकि उसका हाथ बहुत भारी है, अगर लग जाए तो फिर सीधा अस्पताल ही पहुंच सकता है इंसान। तो उस वोट एक किस्म की ट्यूनिंग थी कि भाई मैं तुझे प्यार से मारूंगा ऐसा कह सकते हो।